कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया भैया। फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर के निवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। कल यहाँ मंडी में वो लग रहा है नए साल पर लंगर लग रहा है। हाँ, लंगर वो तो हर साल होता है। चलो जी खाएंगे, सुबह प्रसादा खाएंगे। पता कभी बिके भैया 8-9 रुपए, 8-9 रुपए किलो। तो लोकी सुना है बाजार डाउन हो गया था क्योंकि जलंधर से भी आई थी बड़ी ज्यादा। जी जी जी। हाँ, तो ये बिकी आज 22 रुपए। फार्मिंग स्टेशन देखने वाले सभी भाइयों को हमारी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू में बहुत ज्यादा ठंड चल रही है और मंडी में बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ क्या चल रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तम है जी आप सबका एक और वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल फार्मिंग स्टेशन पे। क्या आप भी करते हैं सब्जियों का बिजनेस? क्या आपको भी कुछ दिनों से हो रहा है बहुत ज्यादा नुकसान? तो आप टेंशन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि फार्मिंग स्टेशन लेके आया है आपके लिए जम्मू की होलसेल मंडी से सब्जियों के होलसेल रेट। क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जानना चाहते हैं जम्मू की सब्जी मंडी के होलसेल रेट और कमाना चाहते हैं बहुत सारे पैसे? तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और पेज को कर दें फॉलो। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपकी मर्जी का रेट हमारी वीडियो में नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आओ मेरे साथ करते हैं जम्मू की सब्जी मंडी को एक्सप्लोर और जानते हैं मंडी में आए कौन कौन सी सब्जियां आई और उनके क्या क्या बाजार हैं। प्रिंस भैया कैसे हो? बस बढ़िया भैया, बढ़िया। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले आपको भी फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत मुबारकबाद। सबको नए साल की बहुत बहुत। तो कैसा चल रहा है भैया आज? मुझे लगता है आपने थोड़ा लंगर वगैरह भी लगाया है। नहीं नहीं नहीं, पीटीसी वालों ने लगाया। अच्छा, पीटीसी। चलो मंडी वालों ने ही लगाया है ना, आपका भी संयोग होगा उनके साथ। जय माता। और तो कैसे बाजार रहे भैया? आज पत्ता गोभी आपने मंगाई है, बहुत ही स्पेशल वाली। स्पेशल पत्ता गोभी। ये कहाँ से आई है भैया? ये अमृतसर से भैया। अमृतसर से? भैया आप जैसे खुद सुंदर हो माल भी ऐसे ही खूबसूरत मंगाते हो आप यार। तो ये क्या भाव बिकी है भैया? पता कभी बिकी है भैया 8-9 रुपए किलो। 8-9 रुपए किलो, ठीक है। तो इसके साथ में मटर के क्या बाजार रहे भैया? मटर भैया 16 शुरू की थी तो अब 12 भी कर दी है भैया। मटर गीला आ रहा है। साल बदल गया बट रेट नहीं बदले भैया। रेट वही चल रहे। रेट क्यों नहीं बदले भैया? क्वालिटी नहीं ना बदली। क्वालिटी नहीं बदली। क्वालिटी नहीं बदली। ठीक है भैया। तो साथ में बीन की क्या पोजीशन रही भैया? बीन 17 रुपए की। 17 रुपए। टमाटर भैया सीधी गाड़ी है? ये भैया अमृतसर से ही है। जी जी। ये गोल वाला क्या बिका भैया? 500-520। ग्राहक नहीं है भैया। शनिवार के हिसाब से जहाँ आज नया साल है ना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ग्राहक निकलेगा, लेकिन ग्राहक निकला ही नहीं। ग्राहक कमजोर हो गया। मुझे लगता है लोग घूमने वगैरह चले गए आगे पीछे, है ना। आज सब नया साल मना रहे हैं। हाँ। हमारे को तो आना है मंडी, बाकी लोगों को नया साल मना रहे हैं। सही है सही है भैया। अपनी फर्म का नाम बता दें। सुरेश कुमार एंड सन्स, शॉप नंबर 100। मोबाइल नंबर 9419128704। दीपेश भैया कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया। फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो भैया साल बदल गया, क्या मंडी के रेट से बदले? नहीं नहीं, रेट वैसे ही है जैसे पहले थे। अच्छा, रेट वैसे ही है, रेट नहीं बदले। ठीक है भैया, हम शुरुआत करते हैं रेट से। सबसे पहले हम आप बताओ चाइनीज खीर का रेट। ये क्या भाव बिका भैया? ये आज बिका 22 रुपए किलो। 22 रुपए किलो। उसके बाद ना जम्मू की पसंदीदा चीज घिया। घिया क्या भाव बिका? ये 25 रुपए। 25 रुपए किलो। तो लोकी सुना है बाजार डाउन हो गया क्योंकि जलंधर से भी आई थी बड़ी ज्यादा। जी जी जी। हाँ, तो ये बिकी आज 22 रुपए। आए बाजार इसके थोड़े डाउन हो गया ना लोकी के। तो जिमीकंद क्या भाव बिका भैया? जिमीकंद 53 रुपए किलो। 53 रुपए। हाँ। भैया थोड़ा नींबू का बताओ मेरे को, नींबू डब्बे बंद है। बढ़िया था नींबू। हाँ हाँ, बढ़िया क्वालिटी है। तो ये क्या भाव बिका भैया? ये बिका 40 रुपए किलो। हाँ, नींबू तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आई है। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो है। तो इससे कम वाले भी हैं कोई माल जो कम बिकते हैं? हाँ, यहाँ पे थे एक दो लोकल माल आते हैं जो। हाँ, वो 25-30। हाँ, 30 भी बिका है, 35 भी बिका है। 35 बिका है। तो ये वाला आ गया 40 रुपए। सुपर वाली क्वालिटी, इससे ऊपर क्वालिटी कोई नहीं आती है। ठीक है भैया। तो शिमला मिर्च आपने भेज दी हुई है, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो शिमला मिर्च के क्या बाजार रहे भैया? 37-38 रुपए किलो। तो भिंडी भैया? भिंडी 60 रुपए। 60 रुपए। भिंडी थोड़ी नीचे आई है? भिंडी हाँ नीचे आई है, पहले 60 दिल्ली थी, अब 60 जम्मू में। अच्छा, क्या लगता है थोड़ा नीचे आएगा भिंडी का बाजार? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। तो भैया करेला? करेला भी 60 रुपए। करेला भी 60 रुपए किलो भैया। ठीक है। टमाटर की गाड़ी थी भैया आपने पास? आज नहीं थी, नहीं थी।
कल आएगा इंदौर की गाड़ी आएगी, चलो सुबह आएंगे आपके पास। तो मेरे को अपनी फर्म का नाम बता दें, बिशन दास एंड सन, शॉप नंबर 59, मोबाइल नंबर 9796263244। आशीष भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी और आपके सब्सक्राइबरों को भी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो क्या खिला रहे हो नए साल पे आज जनता को आप? नए साल में वही सारी नई नई सब्जी है, वही पुरानी वाली लेकिन ताज़ी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, माड़ू, गाजर, चप्पन आया था, खीरा आया था, मटर आई थी। भैया साल बदल गया, क्या मंडी के रेट भी बदले? नहीं नहीं, अब ये नहीं कह सकते कि बहुत मंदा था जी, मगर जी। चलो कि माल बिक रहे हैं लोगों के, अब ये हम तेजी की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना, अभी मौसम ही ऐसा है। जी जी जी, बिक्रा ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात आज, क्योंकि धुंध फिर से बहुत ज्यादा पड़ी, बहुत ज्यादा थी, फिर भी माल कटे हैं मंडी से, सौदा बिका लोगों का। सही है, तो भैया हम चप्पड़ से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ पे जम्मू का लोग इसको बहुत पसंद करते हैं ये। हाँ, ये बिका 18 से 20 रुपए किलो तक, 18 से 20 रुपए। ठीक है, क्वालिटी ये भैया मलेरकोटला से आया? मलेरकोटला से आया है। ठीक, अब चलेगा खुल के, ये पहले कम आ रहा था, अभी ये मतलब थोड़ा और डाउन हो जाएगा, अभी अब ऐसा ऐसा मंदा हो जाएगा ये। हाँ। तो भैया थोड़ा गाजर का बताओ, ये बिकी है कोई 14-15 रुपए किलो, 14-15। आज भैया शनिवार से गाजर के बाजार थोड़े डाउन, गाजर आज डाउन थी, माल ज्यादा है? माल ज्यादा आया था, शनिवार को 31 का थोड़ा शोर होता है, गाजर ज्यादा बिकती है। ठीक है, माड़ू आपके पास आया स्क्वाश, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ये बिकी है 10-12 रुपए किलो, 10-12 रुपए किलो। भैया एक तो ना बहुत मोटा आता है, फिर वो बिकता नहीं है, वो ठेकेदारों को 5 रुपए किलो। हाँ हाँ, अगर ये वाली क्वालिटी आ जाए तो दुकानदार हंस के देता है, ये बिक जाता है 10-12 रुपए। ठीक है, तो भैया मुझे ना थोड़ा ब्रोकली के बारे में बताएं। ब्रोकली का रेट था 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो ये क्वालिटी ठीक है भैया, बढ़िया वाली क्वालिटी? साइज थोड़ा छोटा है, जो बढ़िया होती है उसका फूल थोड़ा बड़ा होता है। जी जी, उसका रेट भी थोड़ा इससे एक्स्ट्रा होता है, मतलब वो 30 बिकी है, इसका बाजार 25 था आज, 30-25, मान लो 5 रुपए किलो का अंतर है। पत्ता गोभी भैया मलेरकोटला वाली? हाँ, ये बिकी है 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो अब भैया मेरे को अपना वो बताओ, मटर का बताओ, मटर आज बिकी है भैया 17 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 16 भी 17 भी, मतलब। तो बीन के बाजार थोड़े मंदे हैं? बीन मंदी है, अपने पास तो आई नहीं थी जी, जी मुझे रेट का कुछ कंफर्म नहीं। ठीक है, आप बताए थोड़ा, जो आपकी गुजरात वाली गाड़ी है इसमें सबसे पहले ये वाला बैंगन, ये बिका आज कोई 26 रुपए किलो, 26 के बाजार अच्छे हैं। खीरा, खीरा बिका आज कोई ये 17-18 रुपए किलो, 17-18। भैया बैंगन आ गया, दूसरा भी आया है, ये आया था, ये बिका 28-30 रुपए किलो, 28-30 रुपए। ये ज्यादा बिकता है भैया ना? ये बहुत बिकता है, ये आया था। हाँ, तो इसके साथ में ये दूसरा वाला, ये 20 रुपए किलो बिका, 20 रुपए। तो ये चूचू, ये वाला, ये भी 20 ही बिका, ये 20 बिका। और क्या था इसमें? शकरकंदी क्या बिकी है? 30 रुपए किलो बिकी आज, 38-32-32। इसके बाजार थोड़े तेज हो गए हैं, मतलब अभी थोड़ी डिमांड इसकी ज्यादा होगी, ठंड होगी ना ज्यादा। तो भैया अपनी फर्म का नाम? साहिब की ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 77, मोबाइल नंबर 9018044000। राजू भैया क्या हाल है? बहुत अच्छा। मंडी का कैसा रहा नया साल? भैया सब्जी के हिसाब से बड़ा मंदा है, बाकी तो ठीक है। क्यों मंदा? लोगों ने 31 दिसंबर मनाया, लोग कम आए मंडी में, सब्जी भी ज्यादा आई है, लोग बाहर भी गए वहाँ घूमने शूमने, इसलिए लोग कम आए। आप गए थे कहीं घूमने? नहीं, हम नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? हम नया साल मनाते ही नहीं है, नया साल हमारा चलेगा अप्रैल महीने में। अच्छा, आप अपने हिसाब से? हाँ, तो हमारी तिथि हिसाब से अप्रैल महीने में नया साल आता है, 9 अप्रैल को। अच्छा, आप ये तो अंग्रेज लोग हैं वो मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, हम अंग्रेज है नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, तो मेरे को बताओ गाजर की क्या पोजीशन है? गाजर आज भैया गाजर की पोजीशन है 14-15 रुपए, 14-15 रुपए। मटर क्या भाव बिका? मटर सर 15 रुपए के, 15 रुपए। शनिवार वाले बाजार रहे हैं। सेम, सेम। तो ये लौकी क्या भाव बिकी है? लौकी आई मंदी है, लौकी 15 रुपए, 15 रुपए। लौकी सीधी 30 से 15 रुपए आ गई। हाँ, लौकी मंदी हो। क्या माल ज्यादा है? हाँ, माल ज्यादा। ठीक है, स्क्वाश आया आपके पास, इसके क्या पोजीशन है? 8 रुपए किलो, 8 रुपए। ठीक है, तो राजू भैया आपके पास आज किन्नू भी आया है? जी हाँ। किन्नू क्या? किन्नू का रेट है 17-18 रुपए, 17-18 रुपए। कोई पुराने ही बाजार है, कोई साल बदला है लेकिन रेट नहीं बदला, बदला है आज नहीं बदलेगा, कल शायद बदलेगा, क्योंकि कल गाड़ियां कम आएंगी, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है ना, उस वजह से जो गाड़ियां आ गई हैं वो वापस जा नहीं रही, तो आएगा किस पे माल। सही है, इसलिए कल का बाजार हो सकता है थोड़ा ठीक रहे, ठीक है, माल बचा हुआ वही बिकेगा, आज तो आनी नहीं गाड़ी कोई। ठीक है, तो राजू भैया अपनी फर्म का नाम बता दें। फर्म का नाम आरवी ट्रेडिंग कंपनी, राजू बीबीआर, शॉप नंबर 129, मोबाइल नंबर 9419187749। अमन भैया कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। बढ़िया हो? बढ़िया जी। मजे में? सब मजे में। फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू भैया।
साल बदल गया भैया, मंडी के रेट बदले नहीं? मंडी के रेट अभी फिलहाल वही है, साल तो बदल गया। हाँ, साल बदला, रेट नहीं बदले। रेट नहीं बदले। तो किसानों को क्या खुशखबरी दे रहे हो आप, क्या भाव बेची है मूली आज? मूली का बाजार तो आज ठीक था। क्या भाव बिकी है भैया? आज मूली ऐसे तो बिकी छह ही है, लेकिन ये है कि क्लियर हो गई। बिक गई ना? बिक गई, फड़ खाली हो गया। हाँ। तो फूलगोभी? फूलगोभी आज मंदा है। क्या भाव बिक रही है भैया? ये देसी है, जम्मू की लोकल? ये देसी है, यही 10-12। 10-12 रुपए। पंजाब की गोभी मंदी हो गई ना? पंजाब वाली मंदी है। जम्मू वाले जो किसान है बेचारे, पहले मूली में उन्होंने बहुत नुकसान खाया, अब कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गोभी में पैसे बनेंगे, लेकिन मुश्किल सी बात है ना। तो पत्ता गोभी आई थी अपने पास? पत्ता गोभी आई थी। पत्ता गोभी क्या भाव बिकी है? वो बिकी है 10-11 रुपए किलो। 10-11 रुपए। अमन भैया, बहुत पत्ता गोभी आती थी आपके पास, यहाँ पे शेड भरा रहता था। अभी शुरुआत हुई है। है वैसे किसानों ने लगाई है? हाँ लगाई है, बहुत पत्ता गोभी है पीछे। आएगा माल, आएगा ना। तो ये शलगम क्या भाव बिका भैया? शलगम मंदा ही है, ये बिका कोई 7-8 रुपए किलो। 7-8 रुपए किलो। तो अपनी जो लाल मूली आती है जो कश्मीर वाले लोग खाते हैं, वो भी 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। साग वगैरह आया था कोई अपने पास? पालक नहीं, अपने पास तो नहीं आया था, ऐसे मंडी में आया होगा। अच्छा, अपने पास नहीं आया था। आज नहीं आया था। ठीक है अमन भाई, अपनी फर्म का नाम बता दें। फर्म राधा कृष्ण राधु शर्मा। शॉप नंबर? 75। मोबाइल नंबर? 9149523096। सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। फार्मिंग स्टेशन तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी। तो सर साल बदला है, क्या मंडी के रेट भी बदले हैं? मंडी के रेट आज मंडी में आमदन बहुत कम है, प्याज जो हमारा टेढ़ा आलू प्याज का। जी जी। आलू की आमदन में थोड़ी सी कम है, मगर प्याज की तो ज्यादा कम है। प्याज जो बिक रहा था 22-23 रुपए किलो परसों, दो दिन पहले, आज 25-26 की पोजीशन है। और कुछ ट्रक वालों की हड़ताल का रूमर भी है कुछ। जी जी। कई जगह हड़ताल हुई भी है। जी जी। तो उसकी वजह से भी 1-2 रुपए की बढ़ोतरी अभी और हो सकती है। ये वाला माल क्या भाव बिक रहा है सर आज? जी अच्छे माल बिके 25-26। 25-26, जैसे ये 22-23 बिक रहे थे, आज 25-26। अगर ऐसे स्ट्राइक चलती रही तो बढ़ सकता है रेट इसका? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, मार्केट में माल ही नहीं होगा तो। मंडी में बैलेंस कितना है? बैलेंस अभी कम होना शुरू हो गया ना आज से। आज से 4 रोज पहले मैंने आपको बोला था बैलेंस चल रहा है, बैलेंस टूट नहीं रहा। जी जी। अब बैलेंस टूटना शुरू हो जाएगा ना आज से। जी जी। आमदन कम होगी ना। तो ये नॉर्मल क्वालिटी क्या बिकी है? ये 23-24 रुपए। 23-24 रुपए। तो मुझे लगता है इसका भी रेट बढ़ सकता है। नेचुरली वो तो सभी का बढ़ेगा ना। ठीक है, तो आलू पे भी कोई असर पड़ेगा? आलू का पंजाब से लोडिंग है, वो इतना लंबी लोडिंग नहीं है। जी जी। आलू पे इतना फर्क खास नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक तो पंजाब में भी है। हाँ, तो जो गाड़ी कम लोड होगी उसे 10-20 रुपए पैकेट, 30 रुपए पैकेट बाड़े बढ़ जाएंगे। जो गाड़ी चोरी छुपी आएगी वो बड़ा ज्यादा लेगी। तो कुछ जो रिटेलर है उनकी भीड़ भाड़ नहीं थी आज प्याज में? नहीं, ठीक थी, ठीक थी, पहले थी। और संडे के बाद मंडे को थोड़ा सा मंडी में थोड़ा रश तो होता है ना आज, थोड़ा मुझे लगता है कल थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, रेट बढ़ सकता है। तो सर लहसुन? लहसुन ये वाला बिक रहा है 220 रुपए किलो। 220। तो जो चाइना क्वालिटी है वो भी 220-230। 220-230 रुपए। हाँ जी। ठीक है सर, तो मेरे को अपनी फर्म का नाम बता। जगदीश राय सर, शॉप नंबर 115-116। मोबाइल नंबर? 9419190909। सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप फार्मिंग स्टेशन तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी। तो सर साल बदला है, क्या मंडी के रेट भी बदले? मंडी के रेट आज मंडी में आमदन बहुत कम है, प्याज जो हमारा टेढ़ा आलू प्याज का। जी जी। आलू की आमदन में थोड़ी सी कम है, मगर प्याज की तो ज्यादा कम है। प्याज जो बिक रहा था 22-23 रुपए किलो परसों, दो दिन पहले, आज 25-26 की पोजीशन है। और कुछ ट्रक वालों की हड़ताल का रूमर भी है कुछ। जी जी। कई जगह हड़ताल हुई भी है। जी जी। तो उसकी वजह से भी 1-2 रुपए की बढ़ोतरी अभी और हो सकती है। ये वाला माल क्या भाव बिक रहा है सर आज? जी अच्छे माल बिके 25-26। 25-26, जैसे ये 22-23 बिक रहे थे, आज 25-26। अगर ऐसे स्ट्राइक चलती रही तो बढ़ सकता है रेट इसका? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, मार्केट में माल ही नहीं होगा तो। मंडी में बैलेंस कितना है? बैलेंस अभी कम होना शुरू हो गया ना आज से। आज से 4 रोज पहले मैंने आपको बोला था बैलेंस चल रहा है, बैलेंस टूट नहीं रहा। जी जी। अब बैलेंस टूटना शुरू हो जाएगा ना आज से। जी जी। आमदन कम होगी ना। तो ये नॉर्मल क्वालिटी क्या बिकी है? ये 23-24 रुपए। 23-24 रुपए। तो मुझे लगता है इसका भी रेट बढ़ सकता है। नेचुरली वो तो सभी का बढ़ेगा ना। ठीक है, तो आलू पे भी कोई असर पड़ेगा? आलू का पंजाब से लोडिंग है, वो इतना लंबी लोडिंग नहीं है। जी जी। आलू पे इतना फर्क खास नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक तो पंजाब में भी है। हाँ, तो जो गाड़ी कम लोड होगी उसे 10-20 रुपए पैकेट, 30 रुपए पैकेट बाड़े बढ़ जाएंगे। जो गाड़ी चोरी छुपी आएगी वो बड़ा ज्यादा लेगी। तो कुछ जो रिटेलर है उनकी भीड़ भाड़ नहीं थी आज प्याज में? नहीं, ठीक थी, ठीक थी, पहले थी। और संडे के बाद मंडे को थोड़ा सा
मंडी में थोड़ा रश तो होता है ना, थोड़ा मुझे लगता है कल थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम नहीं होगा प्याज। नहीं नहीं, मतलब ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, रेट बढ़ सकता है। तो सर लहसुन, लहसुन ये वाला बिक रहा है 220 रुपए किलो। 220, तो जो चाइना क्वालिटी है वो भी 220-230 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो मेरे को अपनी फर्म का नाम जगदीश राय सर, शॉप नंबर 115। मोबाइल नंबर 9419190। सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप फार्मिंग स्टेशन तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी। तो सर साल बदला है, क्या मंडी के रेट भी बदले? मंडी के रेट आज मंडी में आमदन बहुत कम है प्याज, जो हमारा टेढ़ा आलू प्याज का। जी जी, आलू की आमदन में थोड़ी सी कम है, मगर प्याज की तो ज्यादा कम है। प्याज जो बिक रहा था 22-23 रुपए किलो परसों, जी जी, दो दिन पहले, आज 25-26 की पोजीशन है। और कुछ ट्रक वालों की हड़ताल का रूमर भी है कुछ। जी जी, कई जगह हड़ताल हुई भी है। जी जी, तो उसकी वजह से भी 1-2 रुपए की बढ़ोतरी अभी ऊपर हो सकती है। ये वाला माल क्या भाव बिक रहा है सर आज? जी अच्छे माल बिके 25-26। 25-26, जैसे ये 22-23 बिक रहे थे, आज 25-26। अगर ऐसे स्ट्राइक चलती रही तो बढ़ सकता है रेट इसका? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, मार्केट में माल ही नहीं होगा तो। मंडी में बैलेंस कितना है? बैलेंस अभी कम होना शुरू हो गया ना आज से। आज से 4 रोज पहले मैंने आपको बोला था बैलेंस चल रहा है, बैलेंस टूट नहीं रहा। जी जी, अब बैलेंस टूटना शुरू हो जाएगा ना आज से। जी जी, आमदन कम होगी। तो ये नॉर्मल क्वालिटी क्या बिकी है? ये 23-24 रुपए। 23-24 रुपए, तो मुझे लगता है इसका भी रेट बढ़ सकता है नेचुरली, वो तो सभी का बढ़ेगा ना। ठीक है, तो आलू पे भी कोई असर पड़ेगा? आलू का पंजाब से लोडिंग है, वो इतना लंबी लोडिंग नहीं है। जी जी, आलू पे इतना फर्क खास नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक तो पंजाब में भी है। हाँ, तो जो गाड़ी कम लोड होगी उसे 10-20 रुपए पैकेट, 30 रुपए पैकेट बाड़े बढ़ जाएंगे। जो गाड़ी चोरी छुपी आएगी वो बाड़ा बाड़ा ज्यादा लेगी। तो कुछ जो रिटेलर है उनकी भीड़ भाड़ नहीं थी आज प्याज में? नहीं, ठीक थी, ठीक थी, पहले थी। और संडे के बाद मंडे को थोड़ा सा मंडी में थोड़ा रश तो होता है ना, थोड़ा मुझे लगता है कल थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, रेट बढ़ सकता है। तो सर लहसुन, लहसुन ये वाला बिक रहा है 220 रुपए किलो। 220, तो जो चाइना क्वालिटी है वो भी 220-230 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो मेरे को अपनी फर्म का नाम जगदीश राय सर, शॉप नंबर 115। मोबाइल नंबर 9419190। गुरु जी कैसे हो? बाजी ठीक है, आप सुनाओ। फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको भी सर, आपको भी थैंक यू। तो साल बदल गया, क्या मंडी का रेट भी बदले हैं? मंडी का रेट देख लो ना, मंडी का रेट खत्म हो गया, बदलना क्या है, बदलने वाली बात दूर है। वो आ रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, आ रहे हैं कल यहाँ मंडी में, वो लग रहा है नए साल पर लंगर लग रहा है। हाँ, लंगर वो तो हर साल होता है। चलो जी, खाएंगे सुबह प्रसादा खाएंगे। बढ़िया वाली गाजर क्या भाव भी किया? ये 350 रुपए नेट भी की है। 14 रुपए किलो हो गया। 14 रुपए फूल गोभी सर 5-6 रुपए किलो, सुबह 7 रुपए भी की, अब 6 रुपए, अब 6 रुपए। नहीं यार, ऐसे नहीं झूठ बोला कर रही, अब ऐसे बदनाम नहीं किया करो बंदों को। तो मटर आई आपका, मटर का क्या बता रहे हैं? मटर ये सुबह भी की 15-16 रुपए, यही भी की है ना। तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा सर, हमने क्या लेना झूठ बोल के। जी जी जी, आप खाओ बदनाम कर रहे हो। मैं कुलचा खाऊं? सर ये क्या मंगवाया आपने? ये कुछ नहीं मंगाया, ब्रेकफास्ट है सर। मैदा ना खराब करो, कुलचा खा के वो अच्छी चीजें मंगाओ, वो खाओ। ये ब्रेकफास्ट के लिए आया पीछे देखने में, पापा क्या बोल रहे हैं। ठीक है भैया, तो अपनी फर्म का नाम बता दो। हमारी फर्म का नाम है जी विवेक कुमार सर, शॉप नंबर 53-94191-97612। मुकुल भैया कैसे हो आप? बढ़िया भैया जी, आप सुनाइए। भैया फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक भैया। थैंक यू भैया। तो भैया साल बदल गया, क्या मंडी के रेट भी बदले? नहीं नहीं भैया, मंडी के रेट तो वही रहे हैं। जी जी, साल बदलने में कुछ नहीं है, बट रेट वही है, हालत वही आज भी। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि साल के साथ साथ में थोड़े रेट भी बदलेंगे, थोड़ा किसानों के लिए खुशखबरी हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं रहा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज ही है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है, कोई खास चेंजेस नहीं आई हैं। जी जी, अब होप्स हुआ है कि अपनी लोहड़ी के बाद कुछ रहेगा। लोहड़ी के बाद 10-15 दिन तो अभी एज इट इज ही चलेगा। जी जी, क्या क्या बाजार भैया आपके पास? देसी जम्मू का लोकल माल ही आता है, क्या क्या बेचा आज भैया? क्या क्या आया था? कड़म था, मूली थी। क्या बिका कड़म भैया? कड़म भैया बिका 12-10। जी जी, मूली तो मूली भी ये बिकी है सीधे 4-5-6-7, कोई रेट नहीं है, जैसा जिसका भाव था माल था वैसा बिक गया। मतलब शनिवार वाले ही सेम, जो शनिवार को था वैसे ही। मुझे लगता है थोड़ी ग्राहकी भी, भीड़ भाड़ भी कम ही है।
आज कमी है भैया, सुबह थोड़ी देर काम चला उसके बाद फिर से ठंडा पड़ गया, थोड़ा स्मोक भी है, ठंड भी है, उसके कारण भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल का लोगों ने 31 दिसंबर भी मनाया, लोग सोए हैं, क्या तब तक हैंग ओवर उतरा है कि नहीं उतरा? सही बात है, सही बात है, हैंग ओवर भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो भैया अपनी फर्म का नाम बता दें। मेरा फर्म का नाम मुकुल ट्रेडिंग कंपनी करके है, 2 नंबर गेट, 2 नंबर दुकान। शॉप नंबर 2 है। मोबाइल नंबर गेट है, मोबाइल नंबर है 7006819834। सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सर फार्मिंग स्टेशन की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी थैंक यू भैया। आपकी भी फैमिली को मैं थैंक यू भैया। भैया तो साल बदल गया, क्या मंडी के रेट भी बदले हैं? रेट थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही ऊपर नीचे जी। तो क्या भाव बिका टमाटर आपके पास? ये गोल वाले माल की गाड़ी लगी है, ये क्या भाव बिका? 400 रुपये। 400 डाउन कर दिया आपने? ये क्या नए साल पे खुश कर रहे हो लोगों को? तो नए साल का गिफ्ट है ना ये, खाली होगी गाड़ी है। हाँ ये लोग खाली होगी गाड़ी सारी। हाँ गाड़ी तो आपने खाली कर दी है, 400 में गिफ्ट दे दिया। तो अभी ये कहाँ से आ रहा है अभी गोल वाला? ये जयपुर का है। अच्छा ये जयपुर का है। तो साथ में इंदौर वाली गाड़ी लगी है आपके पास, सुपर वाला माल? ये 580-600। इस माल की डिमांड है मार्केट में ना? दोनों की है, ये भी है उसकी भी है, दोनों की है, दोनों बिक रहे हैं। आज गोल वाला थोड़ा डाउन हो गया और लंबा वाला? नहीं, गोल वाला जो बढ़िया है वो 550 भी बिका है, 650 भी बिका है। अच्छा ये 400 बिक रही है। अच्छा ये जयपुर वाली क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल होती है, 400 बिक रही है। ठीक है जी। तो थोड़ा लहसुन के बारे में बताएं मेरे को। लहसुन ये बिक रहा है 200-190। अच्छा ये 190 पहुँचा दिया आपने? 190-200 रुपया। 190-200। ये पहले 250 तक बेच रहे थे आप? नहीं वो दूसरा 250 वाला बिक रहा है 230 रुपये। 220-230 रुपये। मान लो 50-60 रुपये लहसुन के आपने डाउन किए हैं। लहसुन भी डाउन हो गया। हाँ आहिस्ता आहिस्ता अब गरीब जनता भी लहसुन खाएगी। सारे खाएंगे। सही है सही है। तो सर अपनी फर्म का नाम बता दें मेरे को। फर्म का नाम शिव शक्ति फ्रूट कंपनी। शॉप नंबर 36। मोबाइल नंबर 9419113962।